जलेसर में सीएम योगी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, कई महीने से नहीं आया पानी, किसान परेशान। एटा के जलेसर में भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्की ठाकुर व मंडल महासचिव लखन यादव के नेतृत्व में एक ज्ञापन सीएम योगी के नाम एसडीएम जलेसर सुखलाल वर्मा को दिया। उसमें मुख्य मांग है कि सकरौली राजवा लोधीपुर बम्बा में कई महीनों से पानी नहीं आया है, जबकि प्रदेश की योगी सरकार में ऊपर से कागजों में पानी मिल रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी इस वक्त पानी नहीं दे रहे, इससे किसानों की फसल भी सूख रही है। इस दौरान रिंकू ठाकुर, अक्षय ठाकुर, वीरेंद्र सिंह सिसोदिया मौजूद थे। ऐसे में किसानों की धान की फसल सूख रही है। इसी क्रम में विक्की ठाकुर ने बताया कि 10 दिनों में बम्बा पानी न आने पर लॉकडाउन को मजबूरी में तहसील का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी एटा जिला प्रशासन की होगी। रिपोर्टर सुरजीत कुमार शर्मा, जलेसर, एटा। मेरा नाम विक्की ठाकुर है, मैं उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु से। आज जो जलेसर में एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन दिया है, क्या मांग आज है? हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जो सकरौली रजवा है वो बेहद खारी पानी का क्षेत्र है, उस रजवे में कई 6 महीने से पानी नहीं आ रहा, जिससे किसानों की फसलें सूख रही हैं। अतः हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी जलेसर को ज्ञापन दिया है कि उस रजवा में पानी आना चाहिए, नहीं तो हम लॉकडाउन को तोड़कर आंदोलन के लिए दिवस